जियो 4G फीचर फ़ोन के आने के बाद में सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स और मैन्युफैक्चरर्स कह रहे हैं कि वो भी अपना जो है 4G फीचर फ़ोन लेकर आ रहे हैं। एयरटेल और वोडाफोन ने भी कहा था, साथ में आइडिया ने कहा था कि वो अपना स्मार्टफोन लेकर आ रहा है 2500 रुपये में। लेकिन अब जो न्यूज़ निकल कर आ रही है आज, वो BSNL और माइक्रोमैक्स की तरफ से आ रही है। जी हाँ दोस्तों, माइक्रोमैक्स ने यहाँ पर टाइप किया है BSNL के साथ अपना 4G फीचर फ़ोन लॉन्च करने के लिए। यानी कि ये मोबाइल माइक्रोमैक्स की तरफ से लॉन्च किया जा रहा है, भारत वन इसका नाम रखा गया है, और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपको 2000 रुपये में ये मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और माइक्रोमैक्स इस फ़ोन के साथ में जो कंपटीशन करना चाहता है वो जियो फ़ोन से कंपटीशन करना चाहता है। और यहाँ पर टाइप किया गया है BSNL के साथ, काफ़ी अच्छे ऑफ़र यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे आपको BSNL के नेटवर्क पर। आपके जो कॉलिंग्स रहेंगी वो बिल्कुल फ्री रहने वाली है, लेकिन डाटा की बात की जाए तो BSNL में अभी 4G सर्विसेज यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, तो इस मोबाइल में आप BSNL की 3G सर्विसेज को यूज़ कर पाएंगे। लेकिन ये मोबाइल आपका सिम लॉक मोबाइल नहीं रहने वाला, आप इसमें किसी भी कंपनी का सिम डाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ BSNL नेटवर्क को सपोर्ट करेगा, आप कोई भी ऑपरेटर इसमें यूज कर सकते हैं। साथ में जो माइक्रोमैक्स है उसके द्वारा कहा गया है कि आपका जो भारत वन मोबाइल होने वाला है उसमें आपको बड़ी स्क्रीन, बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी, और दूसरे जो 4G फीचर फ़ोन है उनकी तरह आपको ये मोबाइल नहीं मिलने वाला है, आपको इसमें काफ़ी अच्छा स्क्रीन और काफ़ी अच्छी बैटरी मिलने वाली है। सो फ्रेंड्स, माइक्रोमैक्स और BSNL दोनों लेकर आ रहे हैं यहाँ पर आपके लिए 4G फीचर फ़ोन 2000 रुपये में अक्टूबर के पहले हफ्ते में। सो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि माइक्रोमैक्स और BSNL मिलकर यहाँ पर जियो फ़ोन के लिए कुछ कंपटीशन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? आपका जो भी ओपिनियन हो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए।